बोलो भूमिया जी महाराज की, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। एक भजन बाबा रामदेव जी महाराज रो और भूमि जी महाराज रे जागरण में रामदेव जी महाराज रो भजन होना बहुत जरूरी है। क्यों के भूमि जी महाराज रा गुरु महाराज है बाबा रामदेव जी महाराज। इन वास्ते एक अपने बाबा रामदेव जी महाराज री शायल सुनाऊं, बहुत ही पुरानी शायल है और इन शायल ने हरजी भाटी कथी और बाबा रामदेव जी महाराज रा अनंतो भजन कथियुड़ा है। जो जितनी भी पुरानी शायल है हरजी भाटी ने कथियुड़ी है। हालो रे हरजी देव रे और मिलसी रामा पी दुखिया रा दुख दूर करे धनी साजा करे शरीर। हर जी ने हर आय मिलिया आडे मार गया आई अरे पूजन दीनो घोड़ लो बाबू दूध पीवानेगा। हरजी भाटी रामदेव जी महाराज की शायल कथी और हरजी भाटी बाबा रामदेव जी का गुणगान करता जमा जगाउता बाबा रामदेव जी महाराज का परम भगता और हरजी भाटी भाटी ने प्रथम बार बाबा रामदेव जी महाराज दर्शन देवे खटे पिंड दी ढाणी में। हरजी भाटी पिंड दी ढाणी रही जा बहुत पुराने जमाने की बात है। हरजी भाटी छोटी छोटी बकरियां चराउता गर्मी रो मौसम हो तावड़ो तपियोड़ो और अपने पहली मारवाड़ में पानी की बड़ी समस्या है। बाबा रामदेव जी महाराज घूमता घूमता हरजी भाटी के पास में जान बोले रे हरजी प्यासे रो प्राण जावे थोड़ो पानी में तो पिलावे। हरजी भाटी ने खाक में एक डीवड़ी गाजुड़ी बकरियां चराउता। हरजी भाटी रामदेव जी महाराज ने पहचानिया कोनी और बोले बाबा हम मारवाड़ है मारवाड़ में पानी रा पीपिया पड़े अटकटे पानी हमें तो जगह जगह बहुत सुविधा होगी ट्यूबवेलो हैंडपंप जगह जगह बेरा पहली पानी री बड़ी समस्या है। हरजी भाटी बोले महाराज अटकटे पानी बे तो रामदेव जी महाराज अवतारी है और हरजी भाटी ने ज्ञान करने वास्ते आया। हरजी भाटी ने बोले रे भाटी झूठ क्यों बोले थारे लारे वो सरोवर भरियुड़ो है जाट सारे कदे डीवड़ी भरन ले आ। हरजी भाटी विचार की महाराज रे कोई भोंग खायुड़ी है कोई नशो ज्यादा पीड़ो है बात कोई सरोवर तो बिल्कुल खाली पड़ी बरसात बरसन कई बरस हुआ है पानी आयो कटो। हरजी भाटी बोले बाबा सरोवर में पानी है कोई। बोले हरजी झूठ मत बोल जा सरोवर भरियुड़ो है। हरजी भाटी ज्ञानी आदमी है विचार क्यों कोई महाराज है कोई अवतारी हो सके चालो हरजी भाटी सरोवर में जावे बाबा रामदेव जी महाराज कहने तो सरोवर बिल्कुल दूध रो टीमरो भरी जो भरियो। हरजी भाटी ने ज्ञान धरियो वाकई में कोई अवतारी है। हरजी भाटी डीवड़ी भर पानी री बाबा रामदेव जी महाराज ने पानी पिलाई। पानी पीने रे बाद में हरजी भाटी ने रामदेव जी महाराज बोले हरजी पानी तो पिला दियो हमें मने भूख लागी है और तू बकरियां चरावे थारे बकरियों रो थोड़ो दूध पिला। हरजी भाटी बोले महाराज बकरियां सब कुंवारी है यार दूध आवे कोनी। बाबा रामदेव जी महाराज के पास में खप्पर हो बोले ओ तू ले जा बकरी नीचे मांड ऑटोमेटिक भरी जाए। हरजी भाटी वो खप्पर नीचे मांडी ऑटोमेटिक दूध भरी जगो। बाबा रामदेव जी महाराज वो दूध पियो है बकरियों रो थोड़ो सो लारे बचियो वो खप्पर हरजी भाटी ने दियो लिया जी तू पी ले। हरजी भाटी बाबा रामदेव जी महाराज रे एटड़ो दूध पियो। हरजी भाटी ने तीन लोग रो चांदनो हो गो ज्ञान हो गो रामदेव जी महाराज रा जिया जड़ तक हरजी भाटी बाबा रा भजन किया। बाबे री शायलो गाई घर घर जमा जगाउता कपड़े रो घोड़ो बनायड़ो और हरजी भाटी बाबे रे गुणगान करता हर शहर गांव में जमा जगाउता।
बहुत पुराने जमाने की बात है, जोधपुर में मंडोर में हरजी बाटी जमो जगह ने गया। अपने पुराने जमाने में हैं चौंदियाला रुपया चलता, एक कागदिया नोट हमें जुया एक सही विजय सही मुंडी उड़े मातेला तनाट करता। हरजी बाटी जमो जगायो तो हरजी बाटी दे जमे रे महीने बाबा रामदेव जी कलश में 900 रुपया रोकड़। उन समय में बहुत पुराने जमाने की बात है, एक रात में 900 रुपया रोकड़ कलश रे मायने आया। उन टाइम विजय सिंह जी रो राज हो दो दरबार में जोधपुर किले में। आकम हजारी वो देखी है रचना, आकम हजारी विचार कर रहे एक रात रे मायने जोधपुर में जमो जगायो है और 900 रुपया रोकड़ कलश में आया। दो चार दिन रही तो पूरा जोधपुर लूट नहीं, वो कोई पाखंडी है। हकम हजारी जान दरबार में फरियाद करी, विजय सिंह जी ने कहो कि एड़ो एक बाटी करन आयो है और बाबा रामदेव जी ने जमा जगावे कपड़े रो घोड़ो लियोड़ो और जोधपुर ने ठग ठग न खावे। मैं मार निजरों देखियो रात 900 रुपया रोकड़ आया कलश रे में। महाराज वो हफ्ते पर रियो तो पूरे जोधपुर में लूट नहीं। देखो पहली राजावा नहीं राज दरबार पहली भक्तों की परीक्षा लिया करता। राजा ऑर्डर चलायो जाओ भाटी ने पकड़ लिया जेल में बंद कर दो। राजा जोगी अगनजल ज्यारी उल्टी रीत, अरे डरता रे वो परशुराम में थोड़ी पाले प्रीत यार कोई प्रीत नहीं हुआ करे। ऑर्डर लगायो और हरजी भाटी ने जेल में लान बंद कर दिया। अरे विजय सिंह जी पूछे घोड़ो कह रो है तो कपड़े रो किनो है के बाबा रामदेव जी रो। विजय सिंह जी हरजी भाटी ने बोले बाबू कौन है। बोले बाबू कलयुगी उतारी है और बाबू भक्तरा बीड़ा पार करे आंधी ने आंखियां देवे कोड़िया नो कलंग झाड़े बांधनिया ने पुत्र देवे निर्धनिया ने माया देवे हाथ जे मनु बाबेरी शिवना करे बाबू भक्तरो बीड़ो पार करे ऐसो बाबू कलयुगी उतारी है। विजय सिंह जी बोले थाने बाबे मा तो भरोसो है कि पक्को पक्को भरोसो है मने रामदेव जी महाराज रो चीतड़े रो घोड़ो बने रो घोड़ो की नो है ओ चीतड़े रो मगर बाबा रामदेव जी महाराज रो। विजय सिंह जी बोले मैं थारे बाबा ने जद जणू अवतारी ओ कपड़े रो घोड़ो घास खाई जद मैं थारे बाबा ने जानू नी तू पाकंडी है फालतू में दुनिया ने ठग ठग खावे। जेल में बंद कर दिया और हरजी भाटी जेल में बैठा बैठा बाबा रामदेव जी ने करुणा कन हाइल लिखी ही बाबा मैं तो आप रो दास हूं आपरे नावरा जमा जगो और राजा मारकनु परचो मांगे मारी लाज राख मारकने परचा खटई को नहीं। हरजी भाटी जेल में बैठा बैठा रामदेव जी महाराज ने करुणा कन हाइल में लिखे आप थकारे और आने किने धाम गिनरी रे पोलिया में करूं पुकारे आलत होड़े उठोरे अजे माल रहा दया करे नीरा माता मुहारे आलत होड़े उठोरे धनी राम दे
ए किनरी रे पोली
अजमल घर अवतार की भूमिया जी महाराज के